Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this section, we will discuss about display monitor. What is display monitor? Among the numerous type of images, presentation or output device that convert digitally represented image into visual visible picture in the display monitor, or we can say that video monitor. Okay. So in easy language, we can say that display monitor is an output device which display information in pictorial form. Now in this lecture, we will discuss about two type of display monitors. One is monochromatic display monitor and second one is color display monitor. Okay, one is monochromatic display monitor and another is color display monitor. Monochromatic display monitor mainly consists of CRT tube. It means cathode ray tube. And now we discuss the functionality, or we can say that working principle of CRT, cathode ray tube. In this image, here connectors are attached. We can say that connector. और यहाँ पे हमारे पास एक हीटिंग फिलामेंट होता है, एक फिलामेंट एलिमेंट होता है, ठीक है? यहाँ हमारे पास क्या होता है? एक हीटिंग एलिमेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? फिलामेंट। क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं इसको, ठीक है? फिर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास यहाँ एक कैथोड रे ट्यूब होती है, क्या होती है? ट्यूब होती है। और यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन गन होती है, इससे इमिट होते हुए हमारे पास जो स्क्रीन है उस पर स्ट्राइक करती है, ठीक है? क्या होता है, हमारे पास जो हमारे पास सीआरटी ट्यूब है, उसके वन साइड पे तो कनेक्टर हमारे पास ऐड होते हैं, सेकंड जो साइड, अदर जो साइड है, उस पर एक स्क्रीन, डिस्प्ले स्क्रीन होती है, ठीक है? और हमारी हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन है हमारी, ठीक है? क्या हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन, जो हमारे पास क्या इमिट करेगी? इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेगी, ठीक है? अब क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे हमारे पास फोकसिंग प्लेट लगी होती है, ठीक है? ओके, क्या लगा था हमारे पास यहाँ? फोकसिंग प्लेट लगी होती है। ये हम क्यों यूज करते हैं? जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो हमारी इलेक्ट्रॉन गन हमारे इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करती है, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है? जब उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, ठीक है? तो फैल जाते हैं, तो उनको एक जगह पर फोकस करने के लिए हमें फोकसिंग प्लेट का यूज करना होता है, जिससे वो एक नैरो लाइन में स्ट्राइक करे, ठीक है? नैरो बीम में स्ट्राइक करे, कहाँ पे? डिस्प्ले स्क्रीन पर, ठीक है? फिर हमारे पास यहाँ पे वो लगे होते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट। क्या होता है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट होती है, ठीक है? ये हमारी होती है, ये तो हमारे पास फोकसिंग वो था ना, यहाँ ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल, क्या है? हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट। तो वर्किंग क्या है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट की? क्या करती है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट? तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन बीम है, जब हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट से पास होगी, ठीक है? जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास है बीम, जो हमारे पास जो नैरो बीम है इलेक्ट्रॉन की, और जब वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेट से पास आउट होगी, इट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है? और जो हॉरिजॉन्टल जो प्लेट हमारे पास है, कंट्रोल द बीम। तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल प्लेट है, वो करेगी बीम को कंट्रोल करेगी। कैसे कंट्रोल करेगी? कि हमारे पास जैसे कि ये पॉइंट्स हैं, ठीक है? तो क्या होगा कि जो हमारे पास ये है, ये स्कैन करेगी फ्रॉम, ये हमारे पास लेफ्ट साइड होती है, राइट साइड होती है। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट है, वो इसको
इस तरह से बीम को पास आउट करेगी, फिर इसको दोबारा से रिट्रेस, जो क्या स्कैन कहां से करेगी, स्कैन तो करती है, स्कैनिंग तो होती है लेफ्ट से राइट में, ठीक है, फिर ये इसको रिट्रेस करेगी, रिट्रेस कहां से होती है, रिट्रेस होती है राइट टू लेफ्ट, ठीक है, फिर इसको रिट्रेस करेगी, फिर ये अगेन ऐसे जाएगी, फिर इसको रिट्रेस करेगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर रिट्रेस करेगी, तो ऐसे होता है इसमें, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन फ्लूइड क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को लेफ्ट से राइट तक पहले उनको स्कैन करवाएगी और फिर उसको रिट्रेस करेगी राइट टू लेफ्ट, ठीक है, फिर अगेन उसको स्कैन करवाएगी लेफ्ट टू राइट एंड देन अगेन रिट्रेस करवाएगी आर टू एल, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट है ये इसलिए हम यूज करते हैं, ठीक है, और फिर हम यहां यूज करते हैं वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट, ये क्या है, वर्टिकल ये हमारे पास होती है वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट। इनका क्या काम है, ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट होती है, ये हमारी जो बीम होती है उसको कंट्रोल करती है फ्रॉम फर्स्ट स्कैन लाइन एट द टॉप टू द लास्ट लाइन, ठीक है, कहां से, टॉप से लेके लाइन या टॉप से लेके बॉटम तक हमारी जो ये लाइंस हैं, एक सेकेंड जस्ट अ मिनट, तो जो हमारे पास वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट क्या करेगी, जब हमने यहां से टॉप से लेके बॉटम तक जो हमने ट्रेसिंग की थी, स्कैनिंग करी थी पहले, तो यहां तक उसको लेके आएगा, क्या करेगा, जो हमारे पास वर्टिकल जो प्लेट्स हैं, कंट्रोल द बीम टू गो फ्रॉम द फर्स्ट स्कैन लाइन एट द टॉप टू द लास्ट स्कैन लाइन, ठीक है, और फिर जब हमारे पास ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये बॉटम से क्या करेगा, रिट्रेस करेगा टू बैक टॉप तक, ठीक है, बॉटम से कहां चल जाएगा, सीधा टॉप पे, ठीक है। तो हमारे वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट की वर्किंग इस तरह की होती है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो मेन जो हमारे पास सीआरटी होती है उसका यही काम है कि हमारी जो इलेक्ट्रॉन गन है, जो हमारी इलेक्ट्रॉन गन है, जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं उनको एक नैरो बीम में स्ट्राइक करवाना फास्फोर की स्क्रीन पर, ठीक है। अब क्या होता है हमारे पास जो फास्फोर, ये हमारे पास कौन सी है, फास्फोर स्क्रीन, फास्फोर एलिमेंट होता है, ठीक है, तो इसको फ्लोरोसेंट स्क्रीन कहते हैं। इसके ऊपर हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो हमारे जो सीआरटी की जो वर्किंग है मोस्टली डिपेंड इस पे करती है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज हैं और फास्फोर जो फास्फोर स्क्रीन है उसके हमारे जो पॉजिटिव चार्ज हैं, जब वो एक दूसरे को जब वो कंबाइन होती हैं तो एक लाइट इमिट होती है, उसकी वजह से हमारे पास जो हमारी डिस्प्ले स्क्रीन पर जो पिक्सल्स हैं वो ग्लो करते हैं और हमें इमेज रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। तो हमारी वर्किंग मोस्ट डिपेंड ही इन पे करती है, जो सीआरटी की जो हमारे पास वो है वो इन्हीं पे वर्किंग जो इन्हीं पे डिपेंड करती है। और जो हमारे पास सबसे पहले जो हमारे जो स्क्रीन ट्यूब आई थी वो सीआरटी ट्यूब ही आई थी, ठीक है। तो अब जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन बीम है जो इसने स्ट्राइक किया फास्फोर पर, प्लस हमारे पास फास्फोर पर पॉजिटिव साइन था, पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन हमारे नेगेटिव चार्ज की हैं, तो जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, कनेक्ट होंगे, तो यहाँ पे जो पिक्सल्स है वो ग्लो करेंगे, ठीक है। तो हमारी कंप्लीट जो वर्किंग है वो इसी के सराउंडिंग वर्क करती है, ठीक है। अब जो हमारे पास ये जो हमारे पास फोकसिंग प्लेट है, ये इलेक्ट्रिक भी हो सकते हैं, मैग्नेटिक भी हो सकते हैं। मैग्नेटिक होते हैं तो हम यहाँ पर कॉयल यूज कर लेते हैं, मैग्नेटिक कॉइल्स, ताकि वो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उनको नैरो बीम में हम स्ट्राइक करवा सके फास्फोर स्क्रीन पर, ठीक है। हमारे पास इसके मेन करेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं डिस्प्ले मॉनिटर की, जो हमने सीआरटी ट्यूब करी है, इसकी जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक है एक परसिस्टेंट होती है, क्या होती है, परसिस्टेंट, और एक होता है रिजोल्यूशन और एक होता है एस्पेक्ट रेशियो, ठीक है। ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी सीआरटी ट्यूब की। तो सीआरटी में जो क्या होता है, परसिस्टेंट का परसिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है, इंटेंसिटी पॉइंट, मतलब जो हमारे पास इंटेंसिटी है वो कितने टाइम बाद 1/10 रह जाती है ओरिजिनल परसिस्टेंट के, और जो हमारी इंटेंसिटी है उसके कितने 1/10 रह जाती है, ठीक है। ये हमारे पास किस में होता है, परसिस्टेंट में।
रेजोल्यूशन क्या कहता है? रेजोल्यूशन क्या कहता है कि हमारे पास जो भी हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं और वो विदाउट ओवरलैपिंग होने चाहिए, मतलब वो दूसरे से ओवरलैप नहीं करने चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स विदाउट ओवरलैपिंग हॉरिजेंटली और वर्टिकली, ठीक है, इस तरह से ओवरलैप नहीं करने चाहिए वो। फिर हमारे पास एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है? रेशियो बिटवीन विड्थ टू इज हाइट, ठीक है। रेशियो एस्पेक्ट रेशियो हमने किया था लास्ट वीडियो में, हमने एस्पेक्ट रेशियो भी किया था, रेजोल्यूशन भी किया था, उस पर कुछ एग्जाम्पल्स प्रॉब्लम्स भी हमने सॉल्व करी थी। तो आपको अगर ये चीजें करेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से समझना है तो आप पहले मेरी वो वाली वीडियो देखिए, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो साथ में एक बेल का आइकन है उसको आप क्लिक करिए, तो आपके पास जो भी नई नोटिफिकेशन होगी, जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगी, वो आपके चैनल पे, आपके जो यूट्यूब उस पर है, ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, नोटिफिकेशन आ जाएंगी आपके पास इसकी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कलर डिस्प्ले मॉनिटर। हम जो नेक्स्ट वीडियो करेंगे उसमें कलर डिस्प्ले मॉनिटर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।